इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर ये कि टीएमसी का एक और एमएलए नाराज टीएमसी का। तो ये बड़ी जानकारी पश्चिम बंगाल से, रवि रंजन चट्टोपाध्याय नाराज चल रहे हैं। ममता बनर्जी को चिट्ठी भी लिखी गई है और ये मांग, अपनी नाराजगी को जाहिर किया गया, चुनाव न लड़ने की बात कही गई है नाराजगी के रूप में। इस तौर पर टीएमसी का एक और एमएलए नाराज। लगातार टीएमसी के विधायकों की नाराजगी के मामले सामने आ रहे हैं और टीएमसी को छोड़कर थाम रहे हैं बीजेपी का दामन। इस सब के बीच एक और एमएलए रवि रंजन चट्टोपाध्याय भी नाराज। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी को उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। आशिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशिका, टीएमसी का एक और विधायक नाराज। देखिए, नाराज तो ठीक कहना फिलहाल थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये जो विधायक है इन्होंने कभी नाराजगी अपनी तरफ से जाहिर नहीं की है, ना ही पार्टी के खिलाफ कुछ बोला है। तो क्या डर लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे? जरूर हाँ, पर ये जो चिट्ठी है ये जरूर अपने आप में ये चिट्ठी है कि राजनीति या फिर पार्टी से दूर जा रहे हैं, पर एज हो चुकी है। ये जो रवि रंजन चट्टोपाध्याय, ये जो विधायक है बर्दवान के, इनकी इसके लिहाज अपनी उम्र और अपनी तबीयत का हवाला देते हुए इन्होंने जो चिट्ठी लिखी है ममता बनर्जी को, ये राजनीति से किनारा करना इस वजह से चाहते हैं। ठीक है आशिका, लौटेंगे आपके पास। तो ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी है रवि रंजन चट्टोपाध्याय की तरफ से कहते हुए चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हालांकि अब इसके मायने क्या हैं ये भी आने वाले वक्त में देखना होगा, लेकिन लगातार जो टीएमसी के नेता, विधायक, मंत्री, उनका मोहभंग टीएमसी से, सरकार से, और इस सब के बीच अब इस कड़ी में एक और नाम जुड़ता हुआ दिख रहा है। वो नाम है रवि रंजन चट्टोपाध्याय का, जिनकी तरफ से ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी गई ये कहते हुए कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और आइए बढ़ते आगे, 26 जनवरी को लाल